अरे मत कर, कह रहा दिमाग लगाओ दिमाग, ठीक है नहीं। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, पहला राम राम। आई होप कि आप बिल्कुल अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और बिल्कुल मस्त होंगे। स्वागत है आपका एक और नए दिन और एक और नए ब्लॉग में। सुबह के बज चुके हैं लगभग 6। सुबह सुबह का मौसम इतना बढ़िया और ठंडा हुआ ना, पूछिए मत। एकदम ठंडी ठंडी हवा चल रही है और आसमान में लगे हुए हैं हल्के हल्के बादल। तो दोस्तों, अभी मैं हूँ अपने छत पर और मैं आया हुआ हूँ योगा करने के लिए। जैसा कि मैं सुबह सुबह उठकर डेली योगा करता हूँ, तो वो रही मेरी चटाई। तो दोस्तों, हो चुका है मेरा योगा और अब चलते हैं नीचे। ये लड़का अभी अभी ट्यूशन पढ़ के आया है, यानी कि ट्यूशन से घर आकर थोड़ा किताब पढ़ लूँ, सुबह सुबह किताब पकड़ लूँ। ना जी ना, या तो टीवी देखनी है या मोबाइल चाहिए। तो आजकल के बच्चों का भी राम ही मालिक है। टीवी बंद कर ले बेटा, थोड़ी किताब की शक्ल भी देख ले, किताब भी खोल ले, है या तो गेम खेलना है। बस गेम नहीं है तो टीवी देखनी है। और इधर लिया जा रहा है गर्मा गर्म कड़क चाय का आनंद। चाय मैं पीता नहीं हूँ, इसीलिए अकेले अकेले चाय पी जा रही है। तो मैं पानी गर्म करूँगा और फिर पीऊँगा पानी। इधर रसोई में चल रही है नाश्ते की तैयारी, क्योंकि प्रियांशु को स्कूल जाना है, तो इसीलिए टाइम से नाश्ता बना दिया जा रहा है। तो आटा वाटा गूंथ चुका है और दो मैगी के पैकेट भी रखे पड़े हैं, शायद ये प्रियांशु के लिए होगा। क्या कर रहे हो तुम लोग, ये हल्ला गुल्ला? अरे क्यों इतनी तेज बोल रहा है? फिट जाएगा, आवाज नीचे कर जाएगा थोड़ी। क्या नहीं पहुंचता तुम दोनों को, लड़ते रहते जो। तो ये हो रहा है पानी गर्म, तो अभी थोड़ा गुनगुना होने देते हैं। और आज ताजी ताजी मट्ठा भी बनाई जा रही है, तो आज नाश्ते के साथ लिया जाएगा ताजी ताजी मट्ठा का आनंद। भाप तो बहुत निकल रही इससे। तो बातों बातों में पानी कुछ ज़्यादा ही गर्म हो गया, अब थोड़ा ठंडा पानी मिलाना पड़ेगा उसमें, क्योंकि पीने लायक नहीं हो रहा, वो बहुत ज़्यादा गर्म हो गया है। हो चुका है मेरा पानी रेडी, तो अब पानी पी लेते हैं आराम से बैठकर। तो अभी मैं आ चुका हूँ बाहर पानी वानी पी के। हाँ, बाहर तो अभी भी ठंडी हवा चल रही है, लेकिन ऐसा लग रहा थोड़ी देर बाद धूप आने वाली है, क्योंकि बादल लगभग छट ही चुके हैं। बस सूर्यदेव निकलने ही वाले हैं बादलों के बीच से। किधर जा रहे हो, किधर जा रहे हो, किधर जा रहे हो, खेलना है? और मैं ढूंढ रहा हूँ कोको को, लेकिन कोको वो वहाँ सोया पड़ा है कोने में, दिखाई भी नहीं दे रहा है। मैं तो सोच रहा हूँ सुबह खोला था उसको, अभी तक घर आया ही नहीं। हाँ, फाड़ दो तुम गद्दी, पूरी गद्दी फाड़ दे, ठीक है, पूरी गद्दी फाड़ दे। सब तो फाड़ दिया तूने, सब तो फाड़ दिया, कौन सही करेगा इसको, हैं? गद्दी मिलती है नाखून तेज करने के लिए। आराम से पहन मोजे, नए मोजे हैं वो, बेकार मोजे थोड़ा है, नए हैं थोड़ा टाइट ही जाएंगे वो, एक आध बार पहनने का डिले हो जाएंगे। लग गया मैगी, बस मैगी खाएगा तू लगातार। कल से कितनी बार मैगी बना दी इसने, तीसरी बार बना, एक बार बनाई झूठ, तीसरी बार तो एक ही दिन में खा जाएगा तू सब, मुझे लग रहा है। थोड़ा थोड़ा करके खा, मैगी ले आए तो लगातार मैगी खाएगा। और किचन में काफ़ी भीड़ भाड़ हो चुकी है सुबह सुबह, देख सकते हैं। प्रियांशु उधर अपनी मैगी तैयार कर रहा है और निक्की इधर रोटी बना रही है और इधर मैडम मट्ठा वट्ठा बना रही है और मैं भी इधर ही आ गया हूँ। तो मैं तो अब बाहर को चलता हूँ। इसमें क्या है, मट्ठा और इसमें दूध? एक वो मट्ठा है, अरे ले जा यार, आज तो ले जा, कल से देखेंगे। तो ये था मेरे चाचा का लड़का, तो ये जा रहा था अपनी दुकान पे चक्की मोड़, क्योंकि इसकी चक्की मोड़ में दुकान है और वहीं इन्हीं के बड़े भाई साहब रहते हैं और वो हमारे वहाँ से दूध ले जाते हैं। तो ये दूध लेकर गया और जब मट्ठा बनी होती है तो मट्ठा भी दे देते हैं। क्या हुआ, गैस खत्म हो गई क्या? खत्म हो गई कि नहीं लगाते? रुक,
तो हो चुका है सिलेंडर चेंज, तो पसीना निकल गया क्योंकि रेगुलेटर से थोड़ा गैस लीक हो रही थी, तो लास्ट में जो है उसकी सील चेंज करनी पड़ी जो रबड़ होती है सिलेंडर में लगी हुई है, तो अभी लगा दिया है और अब रोटी बनाना फिर से स्टार्ट हो गया है। तो दोस्तों देख सकते हैं अभी बाहर कितनी तेज़ धूप आ गई है, एकदम चटक वाली। अरे यार, और वो उधर देख सकते हैं बेचारा कोकू भी धूप में ही बंधा हुआ है, तो सबसे पहले मैं उसको छाया में मारता हूँ, परेशान हो रहा हो, गर्मी हो गई है। बैठ जा बैठ जा, नीचे बैठ बैठ जा। आहा, और लक्ष्मी के यहाँ तो देख सकते हैं क्या बढ़िया ठंडा हुआ है, ऐसा लग रहा है एसी चला रखा है, क्योंकि इधर से मकान की आड़ है और ऊपर से अमरूद का पेड़ है, तो यहाँ सुबह सुबह लगभग 11-12 बजे तक तो धूप आती नहीं है, तो यहाँ बढ़िया ठंडा हो रहता है और ये एकदम आराम से खड़ी रहती है, लेकिन थोड़ी जाड़ों में दिक्कत होती है, लेकिन गर्मी में तो बहुत आराम रहता है यहाँ पे, और उसके बाद तो पूरे दिन भर धूप ही रहती है, और फिर हम इसको बांध देते हैं अंदर और फिर अंदर ही रहती है शाम तक। क्या है, चल ठंडा हो रहा, बढ़िया खड़ी रहा आराम से, तू भी खड़ी रहा, क्या देख रहा है। अरे भर चुकी है बाल्टी, पी ले, नहीं पीना है, पी ले। तो दोस्तों टाइम हो चुका है लगभग दिन के 3 बज चुके हैं और हमारा दिन का भोजन वोजन सब हो चुका है और थोड़ा बहुत रेस्ट भी कर लिया है, और अब स्कूल से प्रियांशु भी आ चुका है और देखिए पीछे क्या खाने में लगा हुआ हो, सुबह मैगी ले गया स्कूल और मैगी खा के भी गया और अभी स्कूल से आ गया तो भात बना हुआ है बढ़िया सा, लेकिन भात की भूख नहीं है उसको और खा रहा है ब्रेड, तो जब तक ये चीज़ें ख़त्म नहीं होंगी तो तब तक इसको और चीज़ की भूख लगेगी नहीं। तो आजकल के बच्चों के ऐसी मौज है देख सकते हैं, और हम तो कभी पिताजी से 5 रुपये भी मांगते थे तो पिताजी पहले 5 चक्कर तो मकान के दौड़ाते थे और 6ठे चक्कर में 5 लाफे मारते थे, मिल गए 5 रुपये। तो भैया हम वो पहली पीढ़ी है जिन्होंने अपने माँ बाप की भी सुनी और अब बच्चों की भी सुन रहे हैं, इसने अभी पेट भर के खा लिए हैं ब्रेड और फिर मेरे पीछे पड़ गया है और अब कह रहा है साइकिल चाहिए मुझे घूमने के लिए, जबकि 2-2 साइकिलें घर में रखी हुई हैं, उनका इसने बाजा बजा रखा है, बस खाली उनको थोड़ा सा सही करना है, टायर ट्यूब डलाना है, बाकी वो चकाचक है और बोलता है मुझे नई साइकिल चाहिए। बहुत अच्छा बेटा, मैं तुझे नई साइकिल ला के दूंगा अब, ठीक है ठीक है, नई साइकिल लाऊं, नई साइकिल लाऊं, बहुत अच्छे। और वो साइकिल में क्या करें है, क्या बहुत, तुझे नई साइकिल का क्या धुन चढ़ा हुआ है पहले तो ये बता मुझे है, उसमें भी 2 पहिए होंगे, इसमें भी 2 पहिए हैं, वो भी गोल गोल घूमेंगे, ये भी गोल गोल घूमेगी, ये क्या, ये वो हवा में उड़ेगी नई साइकिल है, थोड़ा दिमाग लगाओ दिमाग, ठीक है नहीं। तो दोस्तों आजकल ये बच्चों को समझाना बहुत मुश्किल है, बहुत, क्योंकि आजकल के माँ बाप बहुत ही नरम होते हैं, बच्चों को डांटना भी नहीं चाहते और मारना पीटना तो बहुत दूर की बात रही, तो प्यार से ही समझाना चाहते हैं हर चीज़, और वैसे ही बच्चे चढ़ जाते हैं सर पर, तो थोड़ा बहुत डांट फटकार और डंडा भी ज़रूरी है, डराना भी ज़रूरी है बच्चों को, नहीं तो बच्चे बड़े मनमानी करने लग जाते हैं, क्योंकि उनको तो अकल है नहीं, जो उनको ठीक लगता है जो उनके मन में आता है वही बात वो बोलते हैं और वही बात वो करते हैं। पहले के माँ बाप सही थे, बिल्कुल कड़क होते थे, वो मुँह से कम बोलते थे और उनके हाथ पैर ज़्यादा चलते थे और तभी बच्चे लाइन पर भी रहते थे। तो अभी बड़ी मुश्किल से प्रियांशु को पढ़ने बैठाया है और साथ में निक्की को भी बैठाया है, तो वो इतना चालू है निक्की से अपना काम करवा रहा है और अपना खुद नहीं कर रहा है, अपना घूम रहा है, निक्की मत कर इसका काम बिल्कुल भी, हाँ बिल्कुल भी मत कर। अच्छा मतलब कि समय मेरी बहन है, और अभी जब लड़ रहा था तब किसकी बहन थी, बड़ा तेज हो रहा है। हाँ ये बढ़िया है ना, मोबाइल की जगह कॉपी किताब हाथ में होने चाहिए तब अच्छा लगता है बच्चा। ए पागल हो रहा क्या इतनी तेज बोलने को बोला। तो दोस्तों लगभग शाम ही हो चुकी है और कुट्टी काटने का समय भी हो गया है,
क्योंकि आगे पता नहीं है मौसम का कैसा हो जाए, तो आज टाइम से कुट्टी काट लेते हैं। फिलहाल तो देख सकते हैं धूप भी आ रही है हल्की फुल्की, और आज आसमान इतना नीला नीला दिख रहा है पूछो मत। और ये हमारे दादा आ गए। क्या ढूंढ रहे दादा? क्या ढूंढ रहा हूँ? कुछ मिला? कीड़ा नहीं मर रहा? दवाई कौन सा डाल लो तुमने? घास नहीं मरा, कीड़ा नहीं मरा, क्या मरेगा अभी ऋषि? अब हो गई तेरी पढ़ाई पूरी है बिंसू? अब कहाँ जा रहा है? जा जा पढ़ ले, और थोड़ी देर पढ़ ले, ठीक है? नहीं कुछ पाने के लिए बहुत कुछ खोना पड़ता है। तुम सोचो बस ऐसी हमारे दिमाग में घुस जाए हर चीज़, तो ये कहाँ होता है, उसके लिए पढ़ना पड़ेगा। क्या खराब है देख, खाली इसमें इसका टायर भी खराब नहीं, इसका टायर भी सही है, खाली पिंचर हुई है ये और अगला टायर खराब है मुझे लग रहा है, बाकी पूरी साइकिल सही है ये। घंटी लगी क्या है इसमें? बिल्कुल नई साइकिल है, प्रिंट भी नहीं उतरा हुआ है इसका अभी, ठीक है? और बाकी ये हाँ, ये देखो, ये देखिए निक्की की साइकिल है, इसका तूने कबाड़ कर दिया, उसने तो चलाई नहीं। 700 में बिक जाएगी, 1700 में और नई साइकिल आती है। तो 1700 में नई साइकिल आती है क्या? थोड़े और है, 1700 में नई साइकिल आती है? वो जमाने चले गए बेटा, 1700 में आती है अब। तो ये दिमाग में बैठा ले, इंटर तक इन्हीं साइकिलों को चलाना है तुझे, दोनों में से कोई भी चूज कर ले। कहाँ लगी है तू? नहीं अरे हाँ यार लगी है, वो लटक रही है तू नहीं। अरे अभी लौकी लगेंगी, अभी हरी है वो, मत कर। अरे मत कर कह रहा। अरे यार ये तो सूखी सूख रखी है, इसमें तो कुछ है ही नहीं, क्या लगेगी? दोस्तों हो चुकी है कुट्टी काटने की तैयारी, तो आप फटाफट से कुट्टी काट लेते हैं ज्यादा देरी ना करते हुए। तो दोस्तों कट चुकी है कुट्टी और लगभग शाम भी हो ही गई है। तो अब आज का ब्लॉग भी यहीं पर एंड कर देते हैं, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कर लें ताकि जब भी मेरा नया ब्लॉग आए आप तो नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए। तो मिलते हैं एक और नए ब्लॉग के साथ, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए और बिल्कुल मस्त रहिए। कुट्टी काटते काटते सांस फूल गई इसलिए थोड़ी आवाज़ डाउन हो रही है। बाय बाय।